नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। खबर 7 सितंबर 2020 को भिंड से आ रही है। जिले में प्रदेश स्तर से चलाया जा रहा नदी बचाओ पर्यावरण सजाओ पथयात्रा रैली, कांग्रेस पार्टी पहुंची ग्राम भरौली। जानकारी के अनुसार सिंध नदी बचाओ पर्यावरण सजाओ पथयात्रा रैली का तीसरा दिन डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा नदी बचाओ अभियान का पैदल सफर यात्रा लाहौर से परायस से आजी माँ के मंदिर पर विश्राम किया गया। करीब 41 किलोमीटर की यह यात्रा आज भरौली पहुंची। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। आज की पथ यात्रा में कंप्यूटर बाबा, पूर्व नर्मदा राज्य मंत्री श्री बाली बाबा अपने बाबा के काफिले के साथ शामिल हुए। बाली बाबा ने भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायकों को गद्दार कहा, साथ ही कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए घोषणा भी है। प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी तो बाली बाबा अपनी दाढ़ी मुंडवा देंगे। कंप्यूटर बाबा ने कहा, कांग्रेस सरकार ने गांव गांव गौशाला बनाने का कार्य किया जो कि किसानों के हित में है। बीजेपी सरकार ने गौरक्षा के नाम पर लूट कर ली है जिसका अब जनता जवाब देगी। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, पानी नहीं बचेगा तो गांव तबाह हो जाएगा, हमें अपनी नदियों की स्वयं रक्षा करनी पड़ेगी। अवैध उत्खनन पर अंकुश लगे, प्रशासन में बैठे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी की काली कमाई पर अंकुश लगे, गरीबों को गांव में ही रोजगार मिले, इन्हीं मुद्दों को लेकर यह नदी बचाओ पथ यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता शामिल हो रहे हैं। बीजेपी सरकार ने अवैध उत्खनन की सीमा पार कर दी है। नदी के किनारे हमारे बसे हुए गांव से पानी काफी नीचे चला गया है, इसलिए अवैध रेत पर अंकुश लगाना है, पर्यावरण बचाना है। रैली निकालकर हम समाज और प्रशासन को जागरूक कर रहे हैं, अब अवैध उत्खनन नहीं होने देंगे। ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। जाकर के बेंगलुरु में सौदा की, और कुछ पूछना है तो बताइए। आपकी भविष्यवाणी क्या है? हमारी भविष्यवाणी नहीं है, जय महाराज की है। 27 सीटों को लेकर हम तो मेहनत करेंगे, हमें मालूम है जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। इन्होंने जो काम किया है, संतों को देखिए, जनता को चला है, एक जनता को चला है, जनता ने वोट दी थी, उनको नहीं मालूम था कि ये हमारी वोट को बेच देंगे। इन्होंने कितने करोड़ में बेचा है? मंत्री जो थे उनकी अलग अलग राशि थी, जो विधायक थे उनकी अलग सौदा थी, और इन्होंने सौदा के साथ साथ ये भी सौदा थी कि तुम्हें मंत्री बनाएंगे, ये कहीं के नहीं रह जाएंगे, 25 के 25 चले जाएंगे, ये कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो अवैध खनन नहीं होगा, गौ माता सड़कों पे नहीं रहेगी, मंदिर के पुजारी अपना मंदिर खोल देंगे, दारू की दुकान खोल गई मंदिर नहीं खुले, ये काम कांग्रेस के लोग अच्छे करेंगे। और मैं कहता हूँ, जनता से भी कहता हूँ, शिवराज से भी कहता हूँ, 5 साल तो देख लेते आप, तुमने 15 साल में जो नहीं किया वो 15 महीने में किया। बाबा जी, आपने कहा था कि जिस प्रकार से नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था, रेत माफियाओं के लिए भी आप पैदल यात्रा पर उतरेंगे, वो आपकी पैदल यात्रा कब शुरू होगी? देखिएगा, अभी चिन्ह है, एक एक पंक्ति पर चलते हैं, अभी नदियों पे हम लोग चल रहे हैं, तो आपके साथ हम लोग खड़े हुए हैं, जब वहाँ निकालेंगे नर्मदा यात्रा तो ठाकुर गोविंद सिंह हम लोग के साथ चलेंगे वहाँ। धन्यवाद बाबा। एक चीज बताए, 2018 के चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा यात्रा निकाली, कांग्रेस सत्ता में लौटी, और आप डॉक्टर साहब चंबल यात्रा कर रहे हैं, पूरी पद यात्रा कर रहे हैं नदियों को बचाने के लिए, तो आप क्या मानते हैं? देखिए, फिर इस यात्रा के नाम सुनिए सुनिए, मध्य प्रदेश में दो पार्टी विशेष है, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस जो है जो कहती है वो करती है, और बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, धर्म का ढकोसलापन करती, ये हम साधु संत बोल रहे हैं बाबा, सुनिए सुनिए। और कांग्रेस जो है ढकोसला नहीं करती है, वो जो है संतों का आदर करती है, सम्मान करती है, अभी भी पूरा संत समाज। देखिए, हमने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि भूखे मर रहे हैं बाबा, कुछ तो दे दो, नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दिया, और अभी भी पुजारी लोग मर रहे हैं, डॉक्टर साहब पुजारी लोग मर रहे हैं, उनको खाने के लिए नहीं है, और ये मंदिर नहीं खोल रहे हैं, ये दारू की दुकान खोल रहे हैं, ऐसी सरकार है। इस सरकार को ये जनता बताएगी। अब तो एक मिनट, अब केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई है, एक तरफ धर्म और जनता है, साधु संत है, तो दूसरे तरफ अधर्म और ये 25 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी। डॉक्टर साहब एक नेता है, धर्म के लोग हैं, ये धर्म का बड़ा ढोंग करते हैं, ये मुकुट धर्म की लगाते हैं और अधर्म का काम करते हैं।
आपको हत्या का डर है क्या? हाँ, मैंने तो लिखा है उनको कि तुम मेरी हत्या कर दोगे। और हमें नहीं, जो भी साधु है, जो भी इनकी सरकार को गिराने की, गिराना नहीं, सरकार को जनता के सामने हकीकत बताएंगे, बस इनके सामने हकीकत ना बताया जाए। मगर हम, हमारी जैसे कंप्यूटर बाबा हजार पैदा होंगे, पर जनता जनार्दन के लिए हम लोग सब खड़े रहेंगे, लोकतंत्र के बचाने की कोशिश करेंगे। सरकार आपकी बनेगी, पर किसान के खेत को रखाने की घोषणा आपको करना पड़ेगी। गौओं के लिए चारे की घोषणा आपको करना पड़ेगी, क्योंकि किसान हमारा गौचर रहा नहीं, खेत बचाने के लिए, परिवार पालने के लिए। और मैं आज कह रहा हूँ, अपहरण हुआ है, ये सरकार नहीं है। कोरोना से जैसे 2020 में मुसीबत लग गया सबके, ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से भारतीय जनता पार्टी के चार धुरंधरों को मुसीबत लग गया। नंबर एक नरेंद्र सिंह तोमर, नंबर दो जयवंत सिंह पवैया, नंबर तीन प्रभात झा और नंबर चार कैलाश विजयवर्गीय के अपनी बात कह नहीं पा रहे। 2020 का मतलब है 40 माने चार, और ये 22 गई है, इनको जोड़ के देख लो चार। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं कि चार का अंक चंडाल होता है, कर्क राशि चार पे आती है। जिसकी कर्क राशि होगी उसके बारे में कोई पंडित नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा। 4, 13, 22, 31 ये अगस्त में पड़ चुकी, और मैं आज आपसे निवेदन कर रहा हूं कि चाहे कितनी भी ताकत लगा ले शिवराज सिंह, दो गुजराती आए महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल, इस देश को गुलामी से मुक्त कराया, और ये दो गुजराती आया जिनने देश को बेच के गवा किया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं कि चंद दिनों में प्रदेश में तो सरकार कांग्रेस की बनेगी। मैं दावा कर रहा हूं कि अगर मेरी बात खाली निकल जाए तो हर आदमी को अधिकार है ब्लेड खरीद के और मेरी दाढ़ी घास की तरह चौराहे पे कटवा देना। 2014 में अड़ी थी तो भगवान ने सुनी, और आज मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि भोलेनाथ और प्रदेश में कमलनाथ। इसलिए आज मैं आपसे कह रहा हूं सबके बीच में कि मेरे को कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर साहब ने हमारे 18 फरवरी का जो खदानों पे हमने और कंप्यूटर बाबा ने आगे छापा डाला, तो कम से कम डॉक्टर साहब ने पैदल चल के उनको क्या करना है।